अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान में 33 सैनिक स्कूल्स में साल 2021 में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, इसके बारे में पूरी सूचना लेकर आया हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमसे किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने करियर से संबंधित, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर और टेलीग्राम की मेरी पर्सनल आईडी मिल जाएगी, उस पर मैसेज करके आप अपने करियर संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साल 2021 में एडमिशन के लिए सैनिक स्कूल ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है और इस साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में फिलहाल 33 सैनिक स्कूल्स हैं, जिसमें कक्षा 6 और कक्षा 9 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। सबसे पहले रिटन पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, एंड देन देयर आफ्टर दे हैव टू गो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, और तीनों के बाद में उनको एडमिशन दिया जाता है जो भी विद्यार्थी इन तीनों स्टेज को पार कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नोटिस दिखाते हैं जो कल ही जारी किया गया है। ये देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि सबसे अच्छी संस्था है हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सस्टेंड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। NTA विल बी कंडक्टिंग द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 फॉर एडमिशन टू क्लास 6th एंड क्लास 9th इन 33 सैनिक स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22. Sainik schools are English medium residential school affiliated to CBSE and managed by Sainik School Society, Ministry of Defence. They prepare cadets to join National Defence Academy, Indian Naval Academy and other training academies for officers. तो जो Sainik school का पढ़ाई का माध्यम होता है वो completely अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई होती है। CBSE के schools होते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, और जो वहां पर शिक्षा दीक्षा है, जो तरीके हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है, एक विद्यार्थी के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट को लेकर के चलते हैं। ये जो परीक्षा होगी वो 10 जनवरी को होगी, संडे को, पेन पेपर मोड OMR शीट में होंगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी देख लीजिए। कक्षा 6 में एडमिशन के लिए एक विद्यार्थी 5वीं पास होना चाहिए और उसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। 31/3/2021 तारीख उसकी अंतिम तिथि को लेकर चला जाएगा। 10 से 12 साल के बीच में जो भी विद्यार्थी के एज है तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन इन क्लास 6 ओनली इन ऑल सैनिक स्कूल्स। तो कक्षा 6 में एडमिशन के लिए सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के लिए भी एडमिशन जारी कर दिया गया है, और ये रूल जो है ये पिछले बार आया था। क्लास 9th की एलिजिबिलिटी ये होगी कि कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 13-15, 13 से 15 साल के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 31 मार्च 2021 के अनुसार, एंड शुड हैव पास्ड क्लास 8th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो एग्जामिनेशन फी है वो ₹400 SC/ST के लिए है और ₹550 सभी के लिए है। ये बातें हैं, और बाकी आपको कहां पे आपको एप्लीकेशन डालना है, ये प्रक्रिया पूरी की पूरी ऑनलाइन है। ये जो देख रहे हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस साल कंडक्ट करवाने जा रही है। आपको प्रीवियस इसके पेपर चाहिए होंगे वो भी मिल जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस जगह पर क्लिक करके आपको मिल जाएंगे पेपर किस तरीके का पैटर्न होता है। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे, पूछेंगे, तो हम आपको वीडियो भी बना करके दे देंगे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। और एक बात बता दूं कि तकरीबन हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में फिलहाल सैनिक स्कूल्स हैं, कुछ एक को छोड़ के, इक्के दोके को छोड़ के, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर 2 सैनिक स्कूल्स हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश में भी 2 सैनिक स्कूल्स बन चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, और 6ठी क्लास में 11-12 साल का बच्चा वहां पर जाता है, 18 साल का पढ़ करके 12वीं पास करके निकलता है, और फिर वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला या फिर नेवल एकेडमी एचीमाला,
इन सब प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जाकर के 3 साल की ट्रेनिंग करता है, ग्रेजुएट होता है और 1 साल के एडवांस ट्रेनिंग के बाद फिर वो 21-22 साल की उम्र में एक भावी भारतीय सेना के अंदर ऑफिसर बन जाता है। तो इस मुहिम से, इस लक्ष्य से बच्चों को यहाँ पर तैयार किया जाता है, पढ़ाया जाता है। Kindly share the video to maximum of your extent. अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। All the best for your future. God bless you all. Young ladies and gentlemen, नमस्कार।